मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे बाबूजी नफरत करता हूं मैं उनसे, नफरत करता हूं। इस सच्चाई को जानने के बाद अम्मा किस तरह मैं घुट घुट कर रहा हूं सिर्फ मैं जानता हूं। अरे मेरे बाबूजी जिन्हें मैं भगवान मानता था वो तो इंसान से भी अधूरे निकले, इंसान से भी अधूरे। किसकी खबर ले रहे पांडे जी? यूं ही वो बरसों पुराने दोस्त के बारे में तुम्हें बता रहा था ना, सच उसी का पता कर रहे थे। मैंने तो कुछ नहीं कहा। हाँ अगर आपको लगता है कि मुझे शक है कि आप किसी हसीना से बात कर रहे हैं फोन पर, तो ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। तो मान लीजिए अगर हम वाकई किसी दूसरी औरत से बात कर रहे होते तो मुझे खुशी होती कि मेरी पति की पर्सनालिटी पर आज भी औरतें मरती हैं, और इस बात का फख्र भी कि इतने साल मेरे पति ने मेरे साथ वफा का रिश्ता निभाया है। इतना विश्वास है हम पर? खुद से भी ज्यादा। अगर आपको कुछ गलत करते देख लूं तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी आंखों का कसूर है, आपका नहीं। कुछ तो बोल अम्मा, कुछ तो बोल अम्मा। अम्मा कहाँ जा रही है तू? अम्मा अम्मा कहाँ जा रही है? अम्मा सुन, दरवाजा खोल अम्मा, अम्मा दरवाजा खोल, अम्मा अम्मा, भैया भाभी, अम्मा दरवाजा खोल, भैया अम्मा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल अम्मा। क्या वो शंकर? अरे भैया अम्मा अम्मा दरवाजा नहीं खोल रही। अम्मा अम्मा दरवाजा खोलो, खोल अम्मा, अम्मा कुछ तो बोलो, अम्मा जवाब दो। शंकर, ये तुम क्या कर रही हो अम्मा? शंकर ये सब क्या हो रहा है? क्या बताओ भाई, मैं भाऊजी को ढूंढने गए, भाऊजी दिल्ली नहीं बीकानेर गए थे, हमसे झूठ बोल उनको ढूंढते ढूंढते मैं एक हवेली पहुंचा, पता लगा कि वो कोटवाली हवेली में, कोटवाली हवेली जहां पे कोई जाता नहीं है, कोई आता नहीं है। एक्सीडेंट हुआ, उनका एक्सीडेंट हुआ था और वहां किसी औरत के साथ थे। वो औरत जो बाबूजी से कह रही थी कि वो वृंदा की माँ है। बाबूजी ने हमसे झूठ कहा था, वृंदा बाबूजी को गंगा किनारे नहीं मिले। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं अम्मा, मैं इतनी आसानी से सब कुछ खत्म नहीं होने दूंगा। भौजी को जवाब देना होगा तेरे निराशों का, तेरे विश्वास का, तेरी वफा का हिसाब देना होगा उन्हें। कौन सा हिसाब? कैसे आंसू, कैसी वफा शंकर? साथ फेरे लेकर जिन्हें मरने की कसमें खाई थी, छीते जी मार दिया तेरे बाबूजी ने मुझे, जब उन्हें उनके वचन याद नहीं
तो मैं भी उन्हें कुछ याद दिलाना नहीं चाहती, कुछ याद दिलाना नहीं चाहती। जो खत्म हुआ होने दो से खत्म। अम्मा एक बार उनसे सवाल तो कर। अम्मा लेकिन अगर तू गलती मेरी है, एतबार करते करते अंधविश्वास कर बैठी। गलती की है मैंने तो सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। ठीक है अम्मा, तू हार मानकर बैठ सकती है ना, मैं वो नहीं कर सकता। मैं पूछूंगा बाबूजी से कि मेरी अम्मा ने ऐसा क्या कर दिया जो इतनी बड़ी सजा सुना। मैं पूछूंगा उनसे। नहीं शक, ये सही वक्त नहीं है इस बात को उठाने का। यही सही वक्त है भैया। शंकर, तुम अम्मा को संभालो, मैं शंकर को देखता हूँ। शंकर,